आदेश माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज जिस मंत्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, ये पशुपतिनाथ शक्ति मंत्र के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये एक ऐसा मंत्र है जो आप कभी भी कहीं पर भी बिना किसी तैयारी के प्रयोग कर सकते हैं, बिना सिद्ध किए हुए। इसका सिद्धि का भी विधान है, लेकिन जो साधक दूसरों के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं वो इसकी सिद्धि करेंगे, वरना आप सीधे इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी मन में डर भय लगे, कभी ऐसा लगे कि व्यापार में अवरोध हो रहा है, परिवार में झंझट हो रहा है, या बच्चों में ऐसा लगे कि बच्चों पर कुछ बुरी नज़र लगी है, तो इस मंत्र को पढ़ के 3 बार फूंक देना उतना ही काफ़ी है। मैंने एक बार गायत्री मंत्र के बारे में बताया था, गुप्त गायत्री के बारे में, कि उस मंत्र का जितना तय जाप है उससे ज़्यादा जाप करने पर ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। उसी तरीके से इस मंत्र का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं जाना मैंने आज तक, लेकिन यह है कि कम जाप मात्र से ही इसका जो पूरा असर है वो आप पे हो जाता है। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए, एक तो जो गृहस्थ है जिनको स्वयं प्रयोग करना है उनके लिए सिर्फ 3 बार मंत्र जाप करना काफी है, लेकिन जो चाहते हैं कि इसको सिद्ध कर ले उनके लिए एक अल्प विधान मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले स्थान का चुनाव करेंगे। तो कैसे जगह पर स्थान का चुनाव आप करेंगे? एक ऐसा कक्ष जहां आप जाप कर रहे हो तो आपको कोई रोके ना टोके ना। ठीक है, दूसरा, नदी के तट पर आप बैठ सकते हैं जहां बहता पानी हो, तालाब नहीं चलेगा। मंदिर में बैठ सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी आप इसका जाप कर सकते हैं। ये 3 जगह है जहां पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। जिनको सिद्ध नहीं करना, डायरेक्ट प्रयोग करना, वो कहीं भी करेंगे। ठीक है, पशुपात मंत्र का मतलब क्या होता है? पशुपात मंत्र का मतलब होता है कि जो सारे पशुओं के पति हैं, पति का मतलब जो स्वामी है। ठीक है, तो इस मंत्र से जितने भी तरीके के पशु हैं सबका कंट्रोल होता है। तो जब हम पशु बोलते हैं तो आज के डेट में साइंटिफिक भाषा में हम लोगों ने पशुओं को डिवाइड कर दिया है कि ये पशु है, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम इंसान हैं, फिर एक लौकिक शक्तियां हैं, एक अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन जो भी इस पृथ्वी पर चल और अचल है, जो श्वास लेता है, जो भोजन करता है, जो हमें दिखता है या नहीं दिखता है, इससे अंतर नहीं पड़ता है, वो सारा पशु की संज्ञा में आता है। ठीक है, और इस मंत्र से पूर्व में साधकों ने असाध्य से असाध्य जो रोग हैं उनका निवारण किया है, जो बहुत खूंखार जानवर हैं उनसे भी अपना जान बचाया है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंत्र है ये। तो एक ऐसा स्थान चुन लें वहां पर पशुपति नाथ का ध्यान करें। आपका जो वस्त्र है वो सफेद रहेगा। ठीक है, मंत्र करने से पहले सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे। जिनके पास गुरु नहीं है वो ओम गुम गुरु भ्यो नमः इस मंत्र का 108 जाप करेंगे। ओम गुम गुरु भ्यो नमः। देखो, जब इस साधना को आप करोगे, अगर आप साधक हो और आप इसको सिद्ध करना चाहते हो, तो याद रखना कि इस साधना को करते समय जो 7 दिन आप देंगे उस समय आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अगर मन में घृणा हो, मन में गुस्सा हो, मन में रोष हो, मन में कोई दुर्भावना हो, शरीर में कोई पीड़ा हो, कोई चोटिल हो,
कोई कटा फटा हो तो उस समय साधना को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे ओम गुम गुरुवे नमः, इसका आप करेंगे 108 जाप। उसके बाद 5 माला शिव पंचाक्षरी मंत्र का, किसका? ओम नमः शिवाय, इसका हम लोग 5 माला करेंगे। जब ये दोनों कर लेंगे उसके बाद संकल्प करेंगे कि मैं यथा ज्ञान यथा शक्ति, मैं अपना नाम गोत्र लेंगे, उसके बाद मैं 7 दिनों तक पशुपात शक्ति मंत्र का जाप करूंगा यथाशक्ति और यथा ज्ञान के, मतलब अगर कोई चूक भी हो जाए तो उसके लिए मुझे माफी मिले। ठीक है, फिर जो मूल मंत्र है इसका 21 माला जाप करेंगे। मूल मंत्र ध्यान से सुनिए, ये वही मूल मंत्र है जिसको सिर्फ 3 बार उनको पढ़ना है जिनको सिद्ध नहीं करना है। किसी भी स्थान पर 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको इसका लाभ दिखने लगेगा। मंत्र है ओम श्लिम पशुम हुम फट। क्या है? ओम श्लिम पशुम हुम फट। बहुत आसान मंत्र, 4 बीज और साथ में फटकार। ओम श्लिम पशुम हुम फट, इसका 3 बार जाप करना है आप लोगों को। और जो साधना कर रहे हैं वो 21 माला करेंगे। जो 7वां रात होगा उस रात्रि में घी से दशांश हवन करेंगे और तब फट के बाद स्वाहा लगेगा, मतलब ओम श्लिम पशुम हुम फट स्वाहा। ठीक है, तो बहुत इसका नॉर्मल सा विधान है, और जिनको विधान नहीं करना है वो कहीं भी इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके लाभ ले सकते हैं। जिनको पशुपति नाथ शक्ति साधना ना करते हुए जाप करने की इच्छा है उनके लिए 51 बार करना, एक आम गृहस्थ के लिए ये मंत्र पर्याप्त है 51 बार। और जो सिद्ध साधक है वो 108 बार गुरु मंत्र के बाद, गुरु मंत्र से पहले अपना बंधन करके गुरु मंत्र के बाद इस साधना को करेगा तो उसे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जिनको ऐसा नहीं करना है, जिनको डर भय से मुक्ति चाहिए, रोग नाश चाहिए, वो सिर्फ 3 बार इस मंत्र का जाप करें और इसका लाभ उठाएं। देखो, जो लोग साधना कर रहे हैं उनको ये विषय में थोड़ा चेतना चाहिए, क्योंकि जब पशुपतिनाथ की हम साधना करते हैं तो शिव के 5ों मुख का साधना होता है। तो वो सद्यो जात हो, वो वाम मुख हो, ठीक है, या वो अघोर मुख हो, तो सारे मुखों की हम साधना करते हैं। तो इसका मतलब है कि सारे के लक्षण हम लोगों में इस साधना को करते समय आते हैं। तो उन लक्षणों में 2-3 लक्षण होते हैं जिसपे आपको कंट्रोल करना होता है। एक, आप उग्र हो सकते हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप उग्र हो सकते हैं, लेकिन आपको उग्र होना नहीं है, मन पर संयम रखना है। और दूसरा, इस साधना के दौरान जो होता है कि आप ईगोइस्टिक होंगे, जो मैं का भाव है, जब सद्योजात का आप पूजा करेंगे, जब वाम मार्ग जब आपका जगेगा तो फिर आप में एक अहम, एक ये कि मैं हूं कुछ, वो एक भावना आएगी। और जब इस साधना को करके रोज आप 108 बार इसको जपोगे तो वो बहुत ज्यादा ये दोनों क्वालिटीज आप में डेवलप होंगी। तो सही साधक वही होंगे जो इन दोनों पर कंट्रोल रखेंगे, इस साधना को सिद्ध करेंगे, क्योंकि बहुत शक्तिशाली साधना है। एक विषय और कि अब जब मैं वीडियो देता हूँ, अब 3 साल हो गया है, तो मेरी समझ में जो पंच पूजा है किसी भी साधना में, वो आप जानते हैं कि किसी भी साधना को शुरू करने से पहले धूप दीप नवेद प्रसाद, हाँ, रसगंध, ये सब चढ़ाया जाता है। तो वो सब आप लोग चढ़ा लिया करें जब साधना होती है। आज के लिए इतना ही। जिनको इस साधना के बारे में कुछ जानना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो, बिना क्लियर किए इस साधना को मत करना। पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9431188585, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आपको साधनाएं सिखाता हूँ, और आसन बंधन, रक्षा बंधन और इस तरीके के जितने बंधन होते हैं जो साधन आपको जानना चाहिए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेने का विधान मेरे वेबसाइट www.अघोरतंत्रहस्य.com या अघोरतंत्ररहस्य.xyz पर भी उपलब्ध है। भगवान पशुपतिनाथ आप सबको आरोग्य रखे, ऐसी मेरी कामना है।
आप सभी को आदेश आदेश आदेश।